पिपराइस थाना क्षेत्र के एक गांव रत्नपुर में छेड़खानी से तंग आकर 16 साल की छात्रा ने खुदकुशी करने के मामले में पुलिस के ने सोहदे हरीश सह आरोपी सोहदे के पिता चंद्रिका और मां उषा को गिरफ्तार कर लिया है। माता पिता पर तहरीर में आरोप लगाया गया था कि शिकायत करने के बाद भी इन लोगों ने हरीश को साथ देते हुए पीड़ित परिवार से गाली गलौज की, जिससे छात्रा आहत हुई थी। पुलिस ने इसी आधार पर उनको भी आरोपित बनाकर गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमे में खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा बढ़ाई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा पत्रा गांव में कोचिंग करने जाती थी। आने जाने के दौरान पड़ोसी हरीश ने उसे परेशान करता था, इससे तंग आकर उसने अपनी मां को इस बारे में बताया था। इसके बाद ही पड़ोसी के घर छात्रा के माता पिता शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन बेटे को समझाने की जगह उल्टे पीड़ित परिवार को ही लांछन लगाना शुरू कर दिया गया। इसी बीच सोमवार को छात्रा फिर कोचिंग गई तो हरीश ने उसके साथ फिर अश्लील हरकत की, जिससे परेशान होकर उसने खुद को आग लगा ली। घायल अवस्था में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार को दोपहर में मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। छेड़खानी से आहत होकर खुदकुशी करने की खबर पाते ही पुलिस अफसरों के होश उड़ गए और आनन फानन में पीड़ित परिवार से संपर्क किया गया। थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने तहरीर लेकर पॉक्सो, छेड़खानी व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर तलाश शुरू कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा ने गोरखपुर न्यूज को बताया कि पुलिस को खुदकुशी की घटना होने के बाद जानकारी दी गई थी। तहरीर मिलते ही केस दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्रा के पिता शैलेश तिवारी और सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा ने बताया। नहीं नहीं, बाद में लड़की मारी, एक हाथ भाग वही जाती थी। हाँ, साल दो साल लगभग साल भर के अंदर समझिए एक साल बीता, चले वो हुआ तो चले वो हुआ। हम जाते हैं गुजरात, मैं सर यहीं पे शैलेश तिवारी रतनपुर। सर वो जा रही थी ट्यूशन, उसके बाद छेड़खानी करता था तो आई कौन करता था? ओ हरीश, हरीश को छेड़खानी करता था तो आई तो यहाँ हमारा लड़का को जानकारी हुआ तो उसको बोला ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद वो आई लड़की सुनी, उसके बाद घर में गई तो उठनी थी, उसके बाद जब से कोई नहीं था उसके बाद कोरोसिन गिरा करके जल गए। थाने पे आपने तहरीर दिया जी? नहीं सर। पिपराइस थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत 10 अगस्त को एक बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर के अंदर स्वयं को आग लगा ली, जिसके विषय में उनके पिता द्वारा अगली तिथि में देर रात सूचना थाने पे भिजवाई गई कि उनकी बच्ची को पड़ोस का एक लड़का छेड़ता था, जिसके कारण उसने अपने को आग लगा ली। इस विषय में पिता की तहरीर पर आरोपी उस 18 वर्षीय युवक और उसके माता पिता के विरुद्ध मुकदमा कायम किया जा चुका है। बच्ची का बयान नहीं लिया जा सका क्योंकि वो अचेत अवस्था में थी। इसी क्रम में कल दोपहर 3 बजे के करीब बच्ची का देहांत हो गया। पुलिस ने आरोपी के पिता और उसकी माता आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि लड़की के पिता ने स्वयं यह बताया कि इस छेड़छाड़ के विषय में स्थानीय थाने को कभी भी कोई सूचना नहीं दी गई थी, क्योंकि बच्ची ने अपने घर पे भी यह बात किसी को बताई नहीं थी। युवक बगल के ही घर का रहने वाला है और वो भी 18 वर्ष का एक नई उम्र का लड़का है, जिसका चाल चलन बहुत अच्छा नहीं बताया जा रहा है। इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।